नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। नागरिकता कानून के विरोध की प्रतीक बन चुकी शाहीन बाग पर सबकी नजर है। कागज नहीं दिखाएंगे की बात पर जमीन पर बैठे रोड को रोकने वाले इन लोगों को देश की जनता ने वोट देते वक्त भी देखा, जब लंबी लाइन लगाए ये अपनी बारी की इंतजार में कागज लिए खड़े थे। हम यह भी मान लेते हैं कि लोकतंत्र के इस ताकत को दिखाने के लिए इन्होंने कागज दिखाया, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर कागज हैं ही तो फिर बैठे क्यों हो? क्या इसलिए कि आगे यह होने वाला है और कल को ऐसा कुछ हो जाएगा? कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, बस अपनी बात मनमाने के लिए आंदोलन करते रहो। लेकिन अब जो वीडियो शाहीन बाग से आई है उसे लेकर महिमामंडन किया जा रहा है। आपको मीडिया में चल रहे इस खबर को ऐसे ही दिखाते हैं जैसे लिबरल मीडिया ने इसे लिखा है। लिबरल पत्रकारों ने लिखा कि रविवार को शाहीन बाग ने एक मिसाल पेश की, हिंदू शव यात्रा के लिए आगे बढ़कर गेट खोला और रास्ता दिया। शाहीन बाग इलाके में रहने वाले एक हिंदू परिवार में किसी का निधन हो गया था, जिसके बाद मृतक के परिजन शव यात्रा को लेकर वहां से जा रहे थे। इस शव यात्रा को प्रदर्शन स्थल पर देख वहां के कुछ मुस्लिम शख्स आगे आए और शव यात्रा के आगे तेजी से भागते हुए पुलिस बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। दो मुस्लिम युवकों ने शव यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली पुलिस बैरिकेडिंग को खोल दिया ताकि उस अंतिम यात्रा में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि देश को देखना चाहिए कि ये तस्वीर कैसे हिंदू मुस्लिम एकता की है। हम भी यही कहते हैं कि इस तस्वीर ने यह मिसाल पेश की, लेकिन एक बात तो बताइए कि ऐसी तस्वीर आई ही क्यों? क्यों इस तस्वीर की जरूरत हुई? क्यों रास्ते रोक कर रखे गए और क्यों अब खोलते वक्त इसकी तस्वीर वायरल की जा रही है? सभी सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके देंगे। शाहीन बाग में ही दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है जहां दिन में कई एक बार एम्बुलेंस आते जाते हैं। मरीजों की जान बचाने के लिए साय-साय करते इन एम्बुलेंसों का सबसे शॉर्टकट रास्ता शाहीन बाग ही था, लेकिन नागरिकता कानून के विरोधी इन लोगों ने इस रास्ते को बंद कर दिया और अब एम्बुलेंस भी दो घंटे में दिल्ली का चक्कर लगाकर अस्पताल पहुंचती है। तब तक मरीज की जान बची तो उनकी किस्मत बढ़ना आप खुद समझिए। लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करता। अब जरा दूसरे सवालों का भी जवाब देते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, अब इन प्रदर्शनकारियों के भी जाने की खबर आप देखेंगे, लेकिन वो कोई दिखाएगा नहीं आपको। ऐसे में ऐसी ही अमन चैन और हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर के जरिए यह माइंडसेट बनाया जाएगा और फिर जो विरोध की कट्टरता है उसमें इन वीडियो के जरिए मिस्री घोल आंदोलन को देश हित में बता दिया जाएगा। हालांकि ट्विटर पर कई यूजर्स ने यह भी लिखा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसे भी यह जगह मुस्लिमों की तो है नहीं जो उन्होंने रास्ता देकर इतिहास रच। खैर, खबरों का क्या है, कोई इन्हें अब तक कह ही नहीं रहा। ये खुद कभी कहते ही नहीं कि कब हटेंगे। कभी कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, कभी कहते हैं कि रास्ता नहीं खोलेंगे, लेकिन अब जब मान मनोवल कोई कर नहीं रहा तो खुद ऐसी तस्वीरों के जरिए रास्ता खोलने लगे। हम तो यही कहते हैं कि कोई नहीं, रास्ता आज शव यात्रा के लिए खुली है, कल जिंदा लोगों के लिए भी खुलेगी। शाहीन बाग के लोगों को जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें पीएम मोदी का राज्यसभा में दिया हुआ भाषण जरूर सुनना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, सदन में सीएए पर चर्चा हुई है। यहां बार बार ये बताने की कोशिश की गई है कि अनेक हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई गई, जो हिंसा हुई उसी को आंदोलन का अधिकार मान लिया गया। बार बार संविधान की दुहाई, उसी के नाम पर अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटी को कवर करने का प्रयास हो रहा है। मैं कांग्रेस की मजबूरी समझ आती है, लेकिन केरल के लेफ्ट फ्रंट के हमारे जो मित्र हैं उनको जरा समझना चाहिए। उनको पता होना चाहिए आने से पहले कि केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि केरल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों का हाथ होने की बात उन्होंने विधानसभा में कही है। यही नहीं, उन्होंने कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। जिस अराजकता से
आप केरल में परेशान है, उसका समर्थन आप दिल्ली में या देश के अन्य हिस्सों में कैसे कर सकते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो जो प्रचारित किया जा रहा है, उसको लेकर सभी साथियों को खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्या देश को मिस इन्फॉर्म करना, मिसगाइड करना, इस प्रवृत्ति को हम सब ने रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? क्या ये हम सबका कर्तव्य है कि नहीं है? क्या हमें ऐसे कैंपेन का हिस्सा बन जाना चाहिए? और मान लीजिए किसी का राजनीतिक भला होने वाला नहीं है, मान के चलिए, और इसलिए ये रास्ता सही नहीं है, मिल बैठ करके जरा सोचें कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं क्या, और ये कैसा दोहरा चरित्र है। आप 24 घंटे अल्पसंख्यकों की दुहाई देते हैं, बहुत शानदार शब्दों का उपयोग करके कह रहे हैं, आनंद जी को अभी मैं सुन रहा था, लेकिन अतीत की गलतियों के कारण पड़ोस में, अल्पसंख्यक शब्द आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, पड़ोस में अल्पसंख्यक जो बन गए, उनके विरुद्ध जो चल रहा है, उसकी पीड़ा आपको क्यों नहीं हो रही है? देश की अपेक्षा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों को डराने के बजाय सही जानकारी दी जाए, यह हम सबका दायित्व है। हैरानी की बात यह है, विपक्ष के अनेक साथी इन दिनों बहुत उत्साहित हो गए हैं, जो कभी साइलेंट थे आजकल वायलेंट हैं। सभापति जी का असर है। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि इस सदन बड़े वरिष्ठ लोगों का है, तो कुछ महापुरुषों की बातें मैं आज जरा आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। पहला बयान है, दिस हाउस इज ऑफ द ओपिनियन that in view of the insecurity of the life, property and honor of the minority communities living in the eastern wing of Pakistan and general denial of all human rights to them in that part of Pakistan, the government of India should, in addition to relaxing restrictions in migration of people belonging to the minority communities from East Pakistan to Indian Union, also consider steps for enlisting the world opinion. ये सदन में कही गई बात है। अब आपको लगेगा ये कोई जनसंघ के नेता ही बोल सकते हैं, तो कौन बोल सकता है ऐसे ही? उस समय तो भाजपा था नहीं, जनसंघ था, तो उन्होंने सोचा होगा जनसंघ वाला बोल सकता है। लेकिन ये वक्तव्य किसी बीजेपी या जनसंघ के नेता का नहीं है। उसी महापुरुष का एक दूसरा वाक्य मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, जहां तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसका यह फैसला मालूम होता है कि वहां से नॉन मुस्लिम जितने हैं सब निकाल दिए जाएं। वह एक इस्लामिक स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट के नाते वह यह सोचता है कि यहां इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते।
लिहाजा हिंदू निकाले जा रहे हैं, ईसाई निकाले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि करीब 37,000 से ऊपर क्रिश्चियंस आज वहां से हिंदुस्तान में आ गए हैं, बुद्धिस्ट भी वहां से निकाले जा रहे हैं। ये भी किसी जनसंघ का, आप भाजपा के नेता का व्याख्या नहीं है। और सदन को मैं बताना चाहूंगा, ये शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं, वो श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के भाग्य। अब आप उनको भी कम्युनल कह देंगे, आप उनको भी हिंदू और मुस्लिम के डिवाइडर कह देंगे। ये बयान, ये बयान लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में 3 अप्रैल 1964 को दिया था। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तब धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आ रहे शरणार्थियों पर संसद में चर्चा हो रही थी, उसी दरमियान शास्त्री जी ने ये बात कही थी। आदरणीय सभापति जी, अब मैं आदरणीय सदन को एक और बयान के बारे में बताता हूं, और ये खास करके मैं मेरे समाजवादी मित्रों को विशेष रूप से समर्पित करता हूं।